Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar with you. In today's class we will learn coordinate geometry for class 10, and in this part we will learn section formula. So what are section formula? The coordinate of the point P xy which divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio a is to n are given by x is equal to m x2 plus n x1 by n plus m and y is equal to m y2 plus n y1 by m plus n. तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आज देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर y dash, y two y dash and x dash और x two कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. देन पॉइंट दिया गया a एंड b और a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड b जो है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ab को externally x and y पर, m is to n के रेशियो में, m is to n के, तो लेट x dash को x and y को y dash be coordinates axis, लेट a x1 y1 and b x2 y2 are the in points of line segment AB. Suppose किया गया कि p जो है वो p be the point which divides in the ratio m is to n, p जो है line segment AB के बीच में point है जो AB को m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, then AB by BP equal to m by n होगा. अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर AB AC perpendicular line draw करते हैं, OX पर PQ perpendicular line draw करते हैं, OX पर and DD perpendicular line draw करते हैं, OX के. Again AO perpendicular draw करेंगे PQ पर and DR perpendicular draw करेंगे. तो इस तरह से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया. अब हम सबसे पहले AO को फाइंड करते हैं. तो AO जो होगा वो CQ के बराबर होगा और CQ को फाइंड करने के लिए OQ माइनस OC करेंगे. अब OC OQ तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? X होगा एंड दिस वन इज OC जो होगा, C जो होगा, x1 होगा. इस तरह से OQ minus OC equal to x minus x1. Like that, PR को find करेंगे, PR जो होगा वो QT के बराबर होगा और QT को find करने के लिए OD minus OQ करेंगे, OD minus OQ करेंगे और इस तरह से यह x2 minus x होगा. Then हम लोग OP को find करेंगे और OP find करने के लिए PQ minus OQ करेंगे और इस तरह से यह जो होगा PQ माइनस OQ होगा y माइनस y1 होगा. देन हम लोग BR को फाइंड करेंगे और BR जो होगा वो BD माइनस BR करेंगे तो निकल जाएगा. इस तरह से हमने फाइंड किया यहाँ पर AO BR OB एंड DR. अब हम इन दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PRB. तो यहाँ जब हम ऑब्जर्व करते हैं उस ट्रायंगल पे एंगल AOB एंड एंगल PRB होंगे इक्वल होंगे, पिच 90 डिग्री से होगा. देन एंगल ABO इक्वल टू PBR होगा, वो इक्वल होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल से, क्योंकि ये जब लाइन पैरेलल है तो सॉरी परपेंडिकुलर है बोथ लाइंस, देन बोथ लाइंस पैरेलल होंगे और ये लाइन जो होगा ट्रांसवर्सल एंगल हो जाएगा, उसका तीन दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल. इस तरह से ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल PRB होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से. जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं देन वी हैड लर्न इन ट्रायंगल चैप्टर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर सॉरी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. देन AB by BP equal to AO by PR is equal to AB, sorry, PO by PR.
इफ AP by BP equal to A1 AO by BR, then AP by BP equal to A by A from here is equal to X minus X1 by X2 minus X. Cross multiplication करेंगे तो M यहाँ multiply करेंगे तो M X2 minus M X होगा और यहाँ पर हो जाएगा M X minus M X1. फिर हम लोग M X1 को left में लेकर आते हैं. तो m x2 plus m x1 होगा is equal to m x को हम राइट में लेकर आएंगे तो plus m x हो गया और m x यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा m x2 plus m x1 is equal to x into m plus m और m plus m को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो x is equal to m x2 plus m x1 होगा by m plus m. उसी तरह से AP by BD equal to PO bar PO by BR करते हैं तो AP by BD equal to M by N होगा और PO जो है Y minus Y1 है और BR जो है वो Y2 minus Y है. इस तरह से जब cross multiplication करेंगे तो N Y2 minus N Y is equal to N Y minus N Y1 होगा. फिर यहाँ पर हम लोग N Y1 को left में लेकर जाते हैं y2 plus ny1 is equal to my plus ny. यहाँ से हम लोग के y को कॉमन ले लेते हैं तो my2 plus ny1 is equal to y into m plus a और इस तरह से y equal to my2 plus ny1 by m plus n होगा. तो hence the coordinates p are mx2 plus nx1 by m plus n and m y2 plus n y1 by m plus n. Now midpoint formula. The coordinates of midpoint in of the line segment AB with endpoints A x1 y1 and B x2 y2 are m x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. इसका प्रूफ देखा जाए बाइसेक्शन फॉर्मूला. x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 बाय x प्लस सॉरी m प्लस n. क्योंकि हम मिड पॉइंट है तो यहां रेशियो 1:1 होगा तो m की जगह पर 1 हो जाएगा 1 into x2 प्लस 1 into x1 by 1 plus 1 is equal to x1 plus x2 by 2 and and y is equal to m y2 plus n y1 by n plus n. यहाँ पे n का जो 1 is equal to 1 into y2 plus 1 into y1 by 1 plus 1 यानी कि y1 plus y2 by 2. इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ. तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला को एक एग्जांपल के द्वारा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए 4 minus 3 एंड बी 9 7 इन द रेशियो 3:2. तो यहाँ पर a जो है वो दिया हुआ है वो है 4 minus 3, b दिया हुआ है 9 7 and ratio जो दिया हुआ है वो है 3:2. therefore x1 जो होगा 4, y1 जो होगा वो minus 3, x2 जो होगा वो 9, y2 जो होगा वो 7 और n equal to 3 and n is equal to 2. अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट इज डिवाइड्स द तो लेट द पॉइंट बी लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स वाई देन बाइसेक्शन फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू प्लस m x1 by m plus n. तो यहाँ पर
m का वैल्यू जो है वो 3 है, x2 जो है वो 9 है, प्लस n इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 प्लस 2 तो 27 प्लस 8 बाय 5 इज इक्वल टू 35 बाय 5 इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू n y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n यहां की m 3 है और y2 जो है वो 7 है प्लस n 2 है एंड y1 जो है वो -3 बाय 3 प्लस 2 ये 21 -6 बाय 5 हो रहा है तो ये 15 बाय 5 दैट इज 3 therefore the required point P जो होगा वो 7 इस तरह से हम लोग यहां पर सेक्शन फार्मूला को देखें फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू हैव अ नाइस डे